सो हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ ऐसे कॉलेजेस जो जहाँ पे आप क्लास 12 के बाद एग्ज़ाम ले सकते हैं, 9 ऐसे कॉलेजेस जो आसाम में हैं जहाँ पे आप क्लास 12 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं ये कॉलेज और फी स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कॉलेज से, जो कि है बी बरुआ कॉलेज, जो कि गुवाहाटी में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही पुराना कॉलेज है जो आसाम में है। सो इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छे है और जो ये कॉलेज एलिजिबिलिटी रखते हैं वो क्या है कि 10+2 होने चाहिए जो कि क्लास 12 के बाद जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस कॉलेज के कुछ जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो भी देख लेंगे हम और उसके जो टोटल फ़ी है, मतलब पूरा कोर्सेज के फ़ी वो भी देख लेंगे। जैसे कि पहले कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए और उसका टोटल फ़ी है 17.5K। और जो दूसरा कॉलेज है बैचलर दूसरा जो कोर्स है वो बीएससी है और उसके टोटल फ़ी है 17.5K। और जो तीसरा कोर्स है वो बीआईटी है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके फ़ी है 96,000। और जो दूसरा कोर्सेज वो बीबीए है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके फ़ी है 90,000। ये जो फ़ी है वो टोटल पूरा कोर्सेज के फ़ी है। सो जो हमारा अगला कॉलेज है वो कॉटन यूनिवर्सिटी है, जो कि ये खुद ब खुद में एक ब्रांड है, जो ये लोकेटेड है गुवाहाटी में आसाम। सो इस कॉलेज ये कॉलेज एक बहुत ही रेपूटेड कॉलेज है जो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए ये कॉलेज को। जो कॉलेज एलिजिबिलिटी रखते हैं वो 10+2 रखते हैं जो आफ्टर क्लास 12 के बाद एडमिशन के लिए। और जो इसके कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं वो कोर्सेज भी देख लेंगे कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं और फ़ी कितना होते हैं फ़ी भी देख लेंगे हम लोग। जो पहले कोर्सेज ऑफर करते हैं ये वो है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और जो उसके फ़ी है टोटल फ़ी है वो 11,000 है ओनली, जो कि पूरा कोर्सेज के फ़ी है। और जो अगला कोर्सेज वो बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस और उसके कोर्सेज फ़ी भी बहुत लो है, 13,000 है पूरा टोटल कोर्सेज फ़ी। और जो अगला है वो बीसीए है और उसके जो फी स्ट्रक्चर है वो 1.2 लाख है टोटल। सो जो अगला कॉलेज है वो आर्य विद्यापीठ कॉलेज है, जिसको हम एबीसी के नाम से भी जानते हैं और ये भी गुवाहाटी में लोकेटेड है आसाम में। और ये जो इसका एक नया जो ये फोटो में देख रहे हैं आप, ये नया बिल्डिंग है इसके। और जो ये एलिजिबिलिटी रखते हैं वो 10+2 रखते हैं और कुछ कुछ कोर्सेज जो है ये ऑफर करते हैं प्लस टू के बाद के स्टूडेंट लोग के लिए। और उसके फ़ी भी देख लेंगे हम कि कितना होते हैं। जैसे कि पहला कोर्स है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और उसके टोटल फ़ी है 15K, मतलब 15,000 में आप पूरा कोर्सेज कर सकते हैं। और जो अगला है वो बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस और इसके टोटल फ़ी है 18,000 में आप पूरा कोर्सेज कर सकते हैं इस कॉलेज से। जो अगला है वो बीकॉम है और इसके फ़ी मेंशन नहीं किए हैं। और जो अगला कोर्सेज है वो बीसीए और इसके कोर्स फ़ी भी मेंशन नहीं किए हैं। सो हम लोग का जो अगला कॉलेज है वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको हम लोग GMCH के नाम से भी जानते हैं। ये भी गुवाहाटी पे है, आसाम पे है और इधर में जितना सारा भी कॉलेजेस है सब गुवाहाटी के कॉलेज ही लिए हैं हम। सो ये जो कॉलेज जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो नीट के बेसिस पे ये ले लेते हैं स्टूडेंट एडमिशन। और एलिजिबिलिटी जो है 10+2 विथ 50% प्लस नीट। और जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं ये कि मेडिकल कॉलेज है, सो ये मेडिकल कोर्सेज ही ऑफर करते हैं, जैसे MBBS और एक कोर्स ऑफर करते हैं ये कॉलेज जो BDS है, ये दो कोर्स ही ऑफर करते हैं ये कॉलेज। सो हम लोग का जो अगला कॉलेज है वो दिसपुर कॉलेज है, ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है गुवाहाटी के अंदर में। सो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और जो एलिजिबिलिटी है इस कॉलेज के जो आफ्टर क्लास 12 के बाद है एडमिशन के लिए वो 10+2 ही होना चाहिए सिर्फ। और जो कोर्सेज है और फ़ी है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि कोर्सेज कैसे ऑफर करते हैं और उनके फ़ी कैसे रखते हैं। सो कोर्सेज क्या क्या है, जो बीकॉम है और उसके कोर्स फ़ी जो है टोटल वो 41,000 है। और जो अगला कोर्सेज वो BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सो इसके कोर्सेज फ़ी भी 80,000 है। और जो अगला कोर्सेज है वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, सो इसके कोर्सेज फ़ी भी BCA जैसा है 80,000 ही है। और जो अगला कोर्सेज वो बैचलर ऑफ आर्ट्स BA है और इसके कोर्स फ़ी
41,000 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जो कोर्सेज फी है वो भी लगभग ठीक ही है। और जो अगला कॉलेज है वो प्रगज्योतिष है। ये कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज ही है गुवाहाटी के अंदर में, जो आप क्लास टू के बाद एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज में। सो इस कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होनी चाहिए आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और जो कोर्सेज है वो भी देख लेंगे हम इस कॉलेज क्या ये कॉलेज क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं। सो जो पहला कोर्सेज है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑफर करते हैं ये कॉलेज। और जो और कोर्सेज भी है जैसे बैचलर ऑफ साइंस BSc, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, ये सब कोर्सेज ऑफर करते हैं ये कॉलेज। और ये कॉलेज बहुत अच्छे है ये सब कोर्सेज के लिए। सो जो अगला कॉलेज है वो हम लोग का आसाम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ADBS। सो ये कॉलेज गुवाहाटी में एक नया कॉलेज है ये भी। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी नया है, बहुत ही नया है। और ये कॉलेज भी बहुत बड़ा एरिया में कवरअप है। और जो ये एलिजिबिलिटी है BTech के लिए 10+2 विथ 75% प्लस JEE मेन होना चाहिए। और दूसरा कोर्सेज के लिए 10+2 होने चाहिए। और जो कोर्सेज है और जो फी है वो कोर्सेज के वो भी देख लेंगे हम। जैसे कि BA के लिए कितना फी है टोटल 2.23 लाख जो टोटल फी है उसके लिए। और जो अगला कोर्सेज वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech। और BTech के लिए जो ये फी रखते हैं टोटल पूरा कोर्सेज के लिए वो 5.44 लाख है। और जो अगला कोर्सेज है वो बैचलर ऑफ साइंस है BSc, और इसके लिए कोर्स फी रखते हैं 2.47 लाख पूरा टोटल कोर्सेज पूरा। और जो अगला है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स है BCom, और इसके लिए ये कोर्सेज फी रखते हैं 2.23 लाख टोटल। और जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए 2.77 लाख रखते हैं ये कोर्स फी। और जो अगला कोर्सेज है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, इसके लिए ये कोर्स फी रखते हैं 2.23 लाख टोटल। और जो हम लोग का अगला कॉलेज है वो गुवाहाटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो एक इंजीनियर कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है। ये भी गुवाहाटी आसाम में लोकेटेड है। ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, माना जाता है कि इंजीनियर का आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसके एलिजिबिलिटी जो है 10+2 विथ 50% प्लस नाटा, जो ये खुद एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो NAT है। सो ये कोर्सेज और फी भी देख लेंगे इसके कि कैसे कैसे है। ये जो फास्ट कोर्सेज करते हैं वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArts करते हैं, और उसके कोर्स भी है 6.25 लाख। ये एक ही कोर्स ऑफर करते हैं क्योंकि ये आर्किटेक्चर कॉलेज ही है। सो हम लोग का जो अगला आखिरी कॉलेज है वो देख लेंगे कि पांडू कॉलेज। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है गुवाहाटी के अंदर में, अगर आप क्लास टू के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं। सो इसके एलिजिबिलिटी देख लेंगे कि एलिजिबिलिटी कैसे रखते हैं ये कॉलेज। 10+2 होने से आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और जो इसके कोर्सेज है सो वो अभी कोर्सेज देख लेंगे हम कि ये कॉलेज क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं, और वो कोर्सेज के फ़ी कैसे है। और इधर में जो फ़ी बोलेंगे हम वो पूरा टोटल कोर्सेज की फ़ी है। जैसे कि ये पहला कोर्स ऑफर करते हैं वो BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इसके जो टोटल फ़ी है पूरा 3 ईयर्स का वो 34,000 है। और जो अगला कोर्सेज वो BSc है, और इसके कोर्स फ़ी भी सेम है 34,000। और जो इसका दूसरा कोर्सेज है BCom, और BCom के जो कोर्सेज फ़ी है वो भी सेम है जो कि बाकी दूसरों के दूसरा जो कोर्स है उसके फ़ी के समान है। और जो दूसरा है वो BCA है, ये इसके कोर्स फ़ी भी एज इट इज़ है दूसरा कोर्सेज जैसे। सो थैंक यू मेरा वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और को ज़रूरत है तो शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टाइम फॉर एक्शन टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू।